मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ Redmi Note 6 Pro को फ्लैश किस तरह से करें। मैंने पहले फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके रखा है, फ्लैश स्टोर को भी डाउनलोड करके रखा है। मैं अभी फ्लैश फाइल को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, आप लोग देखिए। आप लोग अगर दोस्तों फ्लैश फाइल और फ्लैश स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसी तरह से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट होने में कुछ समय लगता है, मैं वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर देते हूँ। एक्सट्रैक्ट होने का बाद आप लोग फ्लैश टूल को ओपन कीजिए। ओपन करने का बाद यहाँ पे फ्लैश टूल जो है इसको ओपन करना है। इसको ओपन होने का बाद इस तरह के इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग जो एक्सट्रैक्ट किया था उस फाइल को ओपन करना है। ओपन करके उसका अंदर में जो और एक फाइल है उसको बाहर निकालना है, क्योंकि तब फ्लैश का कोई एरर नहीं आ सकता है। मैं इसीलिए बाहर निकाल दिया और इसको ऊपर का जो टूल बार है उसमें से मैं सारे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेती हूँ। अभी कॉपी करके मैंने फ्लैश टूल का जो यहाँ पे टूल बार है वहाँ पे जाके सारे सेलेक्ट करके पेस्ट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी आप लोग को क्या करना है, मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लाना है और यूएसबी से कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक कीजिए, आपका यूएसबी ले लेगा। उसके बाद आप फ्लैश में क्लिक कर दीजिए, आपका फ्लैश स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही समय में आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसी तरह से मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। कुछ समय लगता है इसको फ्लैश होने में, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया। मेरा फ्लैश कंप्लीट हो गया।